आडवाणी से मुलाकात करके उनको जन्मदिन की बधाई दी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू मौजूद रहे। आज 94 साल के हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अमित शाह ने उनको बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है, वेंकैया नायडू ने उनको बधाई दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी एक साथ बैठे हुए। और ये देखिए, बुके भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं उनको। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, उनके हर जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करके उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। पहले भी ऐसी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुके भेंट करके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं, उनके साथ वेंकैया नायडू मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। संवाददाता विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब भी लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें विश करना नहीं भूलते हैं। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो जब भी लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आया है तो वो उनके निवास पर जाकर के उनको जन्मदिन की बधाई उन्होंने जरूर दी है। इसको वो कभी मिस नहीं करते हैं और जाकर के वो आशीर्वाद लालकृष्ण आडवाणी से जरूर लेते हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को अगर आप देखें तो लालकृष्ण आडवाणी के सानिध्य में ही उन्होंने राजनीति देखा था। और जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उस रथ यात्रा के इंचार्ज प्रधानमंत्री मोदी तब हुआ करते थे। तो तब से आडवाणी के साथ उनके संबंध बड़े गहरे हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो तब भी आया था कि आडवाणी की वजह से ही उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उनके अलग अपने व्यक्तिगत संबंध भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल और आडवाणी दो ऐसे लोग बीजेपी के हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, गढ़ा, रचा। तो यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर आप देखें, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि पार्टी के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भी करने थी कि आडवाणी जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वो हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे, घर से ही वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। तो अब उनका मूवमेंट कहीं नहीं होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है, लेकिन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दूसरे नेता हैं उनको जाकर के आज के दिन पर विश जरूर करते हैं। और उसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री के साथ तमाम जो दूसरे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या दूसरे वरिष्ठ नेता अमित शाह हो, वो सारे लोग आज विश करेंगे। आज पूरे दिन भर आडवाणी के यहाँ ताता लगे रहेगा बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और दूसरे अन्य लोगों का। जी बिल्कुल विकास, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वेंकैया नायडू खुद लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से केक कटवाते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री तालियां बजा रहे हैं उनके केक कटने पर, उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ये पल बेहद अच्छा है, कहीं ना कहीं भावुक भी कर रहा है आडवाणी को, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, भावुक करने वाला पल है। देखिए, जब भी जन्मदिन होता रहा है तो जाकर के विश जरूर करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू केक कटवा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस पर ताली करके उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शायद पहला मौका ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री और वेंकैया नायडू की मौजूदगी में ही केक कटा है। इसके पहले जो जब भी हमने देखा कि ये लोग गए हैं, विश जरूर किए हैं, उन्हें उपहार भी दिए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन केक इसके पहले इन लोगों की मौजूदगी में नहीं कटा है। तो शायद ये पहला मौका है कि जब सभी दिग्गज नेता बीजेपी के वहाँ मौजूद हों और उस समय लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से केक कटवा करके उनका जन्मदिन मनाया जाए। वाकई एक तरीके से देखें तो अपने वरिष्ठ नेता को सम्मान भी देने की बात है, क्योंकि बार बार ये चर्चा की जाती है राजनीतिक गलियारे में कि अब बीजेपी से बिल्कुल किनारे लालकृष्ण आडवाणी हो गए हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है, अब उन्हें नई टीम पूछता नहीं है। तो इससे संदेश जरूर जाएगा कि लालकृष्ण आडवाणी का जो कद है वो वही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वेंकैया नायडू की कटवा रहे हैं, दूसरे तमाम पार्टी के नेता भी आपको दिख रहे होंगे जो वहाँ खड़े हैं, तो एक संदेश जाता है कि आडवाणी जी की जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, पार्टी में कद है, वो आज भी बरकरार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो सवाल खड़े किए जाते थे आडवाणी को लेकर, उन सवालों का जवाब ये तस्वीरें देती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये एक मैसेज भी है कि जहां युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, उनको तरजीह दी जा रही है, तो वरिष्ठ नेता जो है पार्टी के, उनका सम्मान क्या है, उनका ओहदा क्या है, उनकी जगह क्या है,
वो बखूबी यहां पर दिखाई जा रही है कि बेशक विपक्ष सवाल खड़े करता रहा हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि आडवाड़ी की जगह क्या है, आडवाड़ी का आशीर्वाद हमेशा लेते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके जन्मदिन पर वो हमेशा जाते हैं, उनको बधाइयां देते हैं और जहां भी कार्यक्रम में भी वो मौजूद रहते हैं तो बाकायदा वो सम्मान करते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त जो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी की गवाही देती हुई नजर आती है। क्या विकास हम कह सकते हैं उन तमाम सवालों पर ये तस्वीरें ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही है? जी निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद से इस पे तो ब्रेक लगी रही हैं। लेकिन देखिए कि आडवाणी काफी दिनों से अब सक्रिय राजनीति से बाहर है, एक बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल बना करके उसमें कुछ नेताओं को रखा गया जिसमें लालकृष्ण आडवाणी को भी रख दिया गया। तब ये बात कही गई कि अब आडवाणी युग समाप्त हो गया बीजेपी के अंदर, और सीधे ये दिखाई भी देता है कि अब आडवाणी का बीजेपी की सक्रिय राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब जो बीजेपी की राजनीति चलती है उसमें लालकृष्ण आडवाणी उस राजनीति में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी को बिल्कुल पार्टी दरकिनार करके छोड़ दी है और उन्हें भूल गई है। आज की तस्वीर ये साबित करता है कि जो बीजेपी दावा करती है कि अपने वरिष्ठ और पुराने नेताओं का वो सम्मान करती है, तो वो सम्मान आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और समय समय पर विकास जिस तरीके से एक परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो मार्गदर्शन लिया जाता है, समय समय पर वो तस्वीर भी दिखाई जाती है कि बेशक वो सक्रिय राजनीति में नहीं हो लेकिन वक्त वक्त पर वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। जी निश्चित तौर पर वक्त वक्त पर बीजेपी इस बात को स्वीकारती भी है कि अपने वरिष्ठ नेताओं से जो उनके खास तौर पर आडवाणी जो संस्थापक हैं बीजेपी के उनसे उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। इधर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नया प्रयोग किया, कमल पुष्प जो नमो ऐप है उसमें एक फाइल जोड़ा गया जिसमें जितने बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी जीवनी को उनसे जुड़ी हुई कहानियों को उन्होंने डालना शुरू किया है, यानी ताकि ये संदेश जाए कि बीजेपी अपने पुराने और वरिष्ठ लोगों को भूली नहीं है, उनके कार्यों को आज भी याद करती है। और जो लालकृष्ण आडवाणी तो ऐसे शख्स हैं कि बीजेपी का मतलब ही लालकृष्ण आडवाणी होता था। बिल्कुल ठीक कहा विकास आपने, जरूर है। और ये भी कहा जाता है कि संसद में 2 सीटों से लेकर 200+ तक पहुंचाया, शुरुआत आडवाणी ने ही की थी रथ यात्रा की और वहीं से किस तरीके से पार्टी 200 से 200+ तक पहुंची और आगे बढ़ती गई। आज जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय आडवाणी को जाता है। निश्चित तौर पर श्रेय आडवाणी में जाता है, आडवाणी ने ही उस को पुष्पित किया, पल्लवित किया। आज जो बट वृक्ष के रूप की तरह एक बीजेपी दिखाई दे रही है उसके पीछे लालकृष्ण आडवाणी का भगीरथ प्रयास है, इसको पार्टी के हर नेता स्वीकार करते हैं। और हम सभी जानते हैं जैसा मैंने पहले कहा था कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने वो ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली थी तो उस रथ पर लटक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते थे, चूंकि उस रथ यात्रा के इंचार्ज थे। यात्रा सही ढंग से चले, कोई व्यवधान न हो, पूरी यात्रा की व्यवस्था ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। तब वो बहुत बड़े कार्यकर्ता पार्टी में नहीं थे, कोई बहुत बड़ा पद उनके पास नहीं था, तो वहां से इनकी शुरुआत है। और आडवाणी के योगदान को बीजेपी के इतिहास में कभी कम करके नहीं आंका जाएगा, क्योंकि आडवाणी का मतलब ही बीजेपी होता है। तो आज इस जाकर के सभी नेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वेंकैया नायडू के सहयोग से जो केक कटा है ये एक अलग संदेश देता है कि अब तक जो चर्चा की जा रही थी कि अब बीजेपी ने बिल्कुल आडवाणी को भुला दिया, अटल अब रहे नहीं, अब तो सिर्फ बीजेपी में मोदी और अमित शाह का युग है और ये मोदी बीजेपी है जो बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इस बात पर विराम लगाने के लिए भी आज ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जब भी जैसा मैंने पहले कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन होता है तो वो सभी बीजेपी के दिग्गज नेता हों या छोटे कार्यकर्ता हों उनके निवास पर जाकर उनको विश जरूर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा विकास आपने। और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से इन तस्वीरों के मायने समझाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी का हाथ पकड़ के उनको कुर्सी तक लाते हैं, उनको वहां बिठाते हैं, फिर उनका हाथ पकड़ के वेंकैया नायडू उनका केक कटवाते हैं। ये पल वाकई बेहद भावुक है आडवाणी के लिए और आप इन तस्वीरों में इस बात को समझेंगे भी, महसूस भी करेंगे। वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके केक काटते वक्त ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो रिश्ता है ये आप समझ सकते हैं कितना गहरा रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, कितने सम्मान का रिश्ता है, कितने विश्वास का रिश्ता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं विकास। जी निश्चित तौर पर तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि बीजेपी के लिए आडवाणी कितने महत्वपूर्ण हैं। और खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए और वेंकैया नायडू की अगर बात की जाए
तो वेंकैया नायडू जो कहा जाता था कि आडवाणी के जो 10-15 लोग बीजेपी में बहुत ही खास और विश्वस्त हैं, उसमें से एक वेंकैया नायडू हैं। क्योंकि जब लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी का मुझे याद है कि जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना था और आडवाणी जी अड़े हुए थे, तो उस समय वो वेंकैया नायडू ही हनुमान की भूमिका निभाए थे, वो सारी स्थिति नियंत्रण में आई थी। और जहां तक रहा सवाल का प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, तो ये तो आडवाणी के निवास पे काटा जा रहा है, सार्वजनिक मंचों पर भी लालकृष्ण आडवाणी का हमेशा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने जब भी मौका मिला है तो झुककर पांव छूकर ही उन्होंने आशीर्वाद लिया और खुद ही उन्हें कुर्सी पर बिठाते रहे हैं। कई बड़ी मंचों पर विकास देखा गया है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं विकास, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें याद दिला दी। कई बड़ी मंचों पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निसंकोच आडवाणी के पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद लिया है, कई जगह देखा गया है। जी बिल्कुल, कई जगह पर जब भी मौका आया है सार्वजनिक मंचों पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परहेज नहीं किया और आशीर्वाद लिया, पांव छूकर आशीर्वाद लिया और खुद उन्हें कुर्सी ऑफर करते नजर आए हैं सार्वजनिक मंचों पर। और जो एक रिश्ता, जैसा मैंने पहले कहा कि लालकृष्ण आडवाणी और मोदी के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, जब गुजरात में दंगे हुए थे और मोदी मुख्यमंत्री थे और उनकी कुर्सी पर संकट आया था, तो कहा जाता है, जो जानकारी है, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करें और बने रहें, तो लालकृष्ण आडवाणी ने ही अंगद की तरफ पांव जमा दिया था कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। तब अटल बिहारी वाजपेयी को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। तो ये भी इतिहास है कि मोदी के लिए किस तरीके से आडवाणी हमेशा अड़ते रहे हैं। और आज जो तस्वीरें हैं वाकई बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने पहले कहा कि जाकर के विश करना और अपनी मौजूदगी में केक कटवाना, खड़े होकर ताली बजाना, फिर उनका हाथ पकड़ करके कुर्सी पर बिठाना, वहां से लाना, ये एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके जरिए बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा विकास आपने, एक बड़ा संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके लिए। विकास बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।